नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी का ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है और कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है ये बेसिकली बाय सेल सिग्नल के ऊपर नहीं है। आज का वीडियो बेसिकली जो प्राइस एक्शन को पसंद करता है और जो चार्ट पैटर्न बनाने का ऊपर काम करता है उसके लिए है। मार्केट में चार्ट पैटर्न एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर आप लंबा पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत पहले मार्केट को आइडिया लगा सकते हैं जो मार्केट कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। जैसा हम लोग को सबको पता है, मार्केट में हम लोग बहुत तरीका का पैटर्न ड्रॉ करते हैं और उसका ऊपर बेस करके हम लोग प्रेडिक्शन बनाते हैं, बट हम लोग का सॉफ्टवेयर में ये जो पैटर्न होता है ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ होगा। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो पैटर्न बन कैसे रहा है और उसका बेनिफिट क्या है। तो एज ए एग्जाम्पल, आज को मैं निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाया हूँ। आज को 1 जनवरी है, 1 जनवरी को निफ्टी फ्यूचर का चार्ट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है। अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा और दिखाऊंगा जो चार्ट पैटर्न बनता कैसे है। देखिए, ये जो एरो अभी आपका सामने रिफ्लेक्ट हुआ है ये एक पैटर्न का संकेत है। ग्रीन कलर का एरो का मतलब है ये एक बाइंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो आप थोड़ा सा अगर लॉजिकली देखेंगे, यहां पर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड क्रिएट हुआ था, उसका बाद मार्केट यहां पर अप ट्रेंड जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये तो हम लोग को मैन्युअली बनाना पड़ता है, बट सॉफ्टवेयर में ये चीज ऑटोमेटिकली है जो काफी हद तक आपको हेल्प करेगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कभी कभार ये पैटर्न देखिए बन के फिर चला गया बट दोबारा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सेम पोजिशन पे। इसका मतलब है यहां पर पैटर्न क्रिएट हो रहा है बट आपको एक्चुअली ट्रेड लेना कब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पैटर्न बन जाने का मतलब यही है आपको आगे चल के एक लंबा मूवमेंट मिल सकता है, उसका एक प्रिडिक्शन आपको मिल गया। बट एक्चुअली ट्रेड करने का जो नियम होता है उस पे हम लोग स्कैल्पिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं और उसके लिए नीचे वाला जो इंडिकेटर है इसको ध्यान में रखना है, जो कभी इंडिकेटर ग्रीन होगा और ये ब्राउन का ऊपर जाएगा। जैसा मैं अगर मार्किंग करता हूँ, ये जो कैंडल है यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है जो ये ब्रिक्स ब्राउन का ऊपर चला गया है, मतलब आप यहां पर ट्रेंड पकड़ सकते हैं। देखिए, यहां पर थोड़ा लेट तो हो गया है, पैटर्न आपको इसी कैंडल पे मिल गया था, आप 2 कैंडल पहले भी एंट्री ले सकते हैं बट कंफर्मेशन के लिए आप नीचे वाला इंडिकेटर को भी जरूर फॉलो कीजिए। तो यहां पर सबसे पहला जो बेनिफिट दिया वो है पैटर्न। पैटर्न आपको बता दिया जो मार्केट आगे लंबा मूवमेंट एक करने वाला है, बट वो मूवमेंट पकड़ने के लिए आप नीचे वाला इंडिकेटर को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जब वो ब्राउन कलर का लाइन का नीचे आएगा तब जाके पोजीशन को क्रिएट करना है। सॉरी, बाइंग के लिए ब्राउन कलर का ऊपर जाएगा, सेलिंग के लिए नीचे आएगा, तो मैं वो बाद में दिखाता हूं। अब देखिए, यहां पर एडवांटेज क्या होता है, जैसे यहां पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था, अब बहुत बंदा इस टाइप का सिचुएशन में डर जाता है या निकल जाता है। जैसा आज को निफ्टी हुआ, थोड़ा सा ऊपर ले जाने का टाइम ये नीचे भी लेके आया बट आपको ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है वो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन का ऊपर ही मूवमेंट कर रहा है। अगर ब्रिक्स वाला इंडिकेटर ब्राउन का ऊपर ही मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब है मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाइंग पोजीशन पे है। इस टाइप का छोटा मोटा जो मार्केट रिकवर करने का कोशिश कर रहा है इसको इग्नोर करना है। तो प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज है, अगर चार्ट पैटर्न के साथ प्राइस एक्शन को आप सही से फॉलो करेंगे तो काफी एक्यूरेट रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो अल्टीमेट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीचे का जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है उसको फोकस कीजिए। देखिए, वो अभी भी ब्राउन कलर का लाइन का ऊपर है और इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है ये ब्राउन कलर का लाइन का नीचे आ गया, इसका मतलब है यहां पर आपका पोजीशन खत्म हो रहा है। जैसे ये ब्राउन कलर का लाइन का नीचे आ जाएगा तो समझ जाना है जो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, बेटर होगा आप अपना पोजीशन वहां से स्क्वायर अप कर लीजिए। बट उसके बाद आप दोबारा एंट्री तभी लीजिएगा जब दोबारा ये ब्रिक्स ब्राउन कलर का लाइन का ऊपर जाए। तो अभी भी देखिए ब्राउन कलर का लाइन का नीचे ही है और इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है ये दोबारा ब्राउन कलर का लाइन को तोड़ रहा है। इसका मतलब है ये जो पैटर्न, देखिए पैटर्न का मतलब है ये लंबा मूवमेंट करेगा। आप यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रॉफिट बनाया बाय करके यहाँ पर निकल गए, दोबारा आपको बाइंग लेने के लिए लगभग इस सिचुएशन पे सॉफ्टवेयर इंडिकेशन दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पर भी एंट्री लेते हैं लगभग 1 बजे के आसपास, उसका बाद देखते हैं मार्केट में मौका कैसा दिया। अल्टीमेट देखिए, धीरे धीरे मार्केट थोड़ा नीचे का आने का कोशिश तो कर रहा था बट यहां पर देखिए लंबा उछाल आपको दिखाई दे रहा है और मार्केट यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा मूवमेंट कर चुका है। और इस वक्त भी आप उतना ही वेट कर सकते हैं जब तक ये ब्राउन कलर का लाइन का नीचे नहीं आता है कोई कैंडल। अब जैसा देखिए, इस कैंडल पे आपको दिखाई दे रहा है दोबारा ये ब्राउन कलर का लाइन का नीचे आ गया है,
इसका मतलब है यहां पर आपका पोजीशन को खत्म कर देना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल एक लॉजिक है। पैटर्न आपको हेल्प करता है मार्केट का ट्रेंड को समझने के लिए, जो मार्केट आगे चल के एक लंबा ट्रेंड पकड़ने वाला है, बट इसका अंदर भी कहां आपको छोटा छोटा पोजीशन बनाना है उसके लिए ब्रिक्स वाला इंडिकेटर काफी हेल्प करेगा। और एक बार ब्रिक्स आपका ब्राउन कलर का लाइन का नीचे आ जाएगा तो वेट नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये काफी रैपिडली मार्केट को गिराता है। तो ब्रिक्स इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है आप जहां पर इजीली मार्केट का एग्जिट पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था ये प्राइस एक्शन एंड स्कैल्पिंग का ऊपर बेस करके, और बेसिकली जो चार्ट पैटर्न बना के लंबा पोजीशन क्रिएट करना चाहता है ये नॉट ओनली फॉर 5 मिनट, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 15 मिनट 1 घंटा डेली व्यू में भी इसका पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आप स्ट्रैटेजी को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर हम लोग का एग्जिस्टिंग क्लाइंट आप ऑलरेडी है तो जस्ट LIS में हम लोग का थ्रू अकाउंट ओपन करके ट्रेड कीजिए, और ये जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होने वाला है। तो थैंक यू सो मच। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।